सो गाइस अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो है ए वाली फोटो एडिटिंग एकदम ट्रेंडिंग में चल रही है, तो मैंने सोचा भाई चलो अपने भाई लोगों के लिए इसका भी ट्यूटोरियल लाया जाए। तो गाइस आज के वीडियो में आपको एकदम इजी स्टेप्स में समझाऊंगा कि आपको जिस टाइप की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले तो देखिए आपको अपने फोटो को ओपन कर लेना है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो अभी देखिए गाइस मैंने अपने मॉडल की फोटो को ओपन कर लिया है। देन गाइस अभी हम क्या करेंगे, यहां से कटआउट टूल पे आकर गाइस अपने फोटो जो है उसका बैकग्राउंड इरेज कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ से अपने मॉडल के फोटो की जो बैकग्राउंड है उसे इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस मैं आपको कटआउट टूल रिकमेंड तभी करूंगा जब आप जो है अपने फोटो की क्वालिटी एकदम बढ़िया हो, वरना गाइस आपकी जो फोटो है ना गाइस एकदम फट सकती है, मतलब एकदम पिक्सल्स खराब हो सकते हैं। तो आप कटआउट टूल का इस्तेमाल कम ही करें, आप जाए तो ड्रॉ टूल्स में जाकर गाइस बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना के रखी है, तो आप वो जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो जिंदगी गाइस अभी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को इरेज कर लिया है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ फिर। सो गाइस हमारी एडिटिंग में जो सबसे मेन चीज जो है इसका वेक्टर आर्ट वाला लुक, तो इसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे इफेक्ट्स में। देन गाइस आपको मैजिक पे आ जाना है और देखिए गाइस आपको यहाँ से ताड़ वाला फिल्टर जो है ना गाइस अनडेड, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस आपको इसे सेलेक्ट करने के लिए गाइस अपने मोबाइल डेटा को ऑन रखना होगा। देन अभी आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको जो तीन सर्कल है गाइस इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। देन गाइस इसके फेड को आपको बढ़ा लेना है गाइस अराउंड आपको 82 के आसपास रख लेना है, ठीक है 81। देन हम यहाँ से इन्वर्ट कर लेंगे। इन्वर्ट करने के बाद गाइस आपको एक और फिल्टर सेलेक्ट करना है एनियो पॉप, तो इसको सेलेक्ट कर लेना गाइस। देन गाइस आपको क्या करना है, फिर से गाइस ये थ्री सर्कल जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और गाइस इसके फेड को जो है बढ़ा लेना है। देन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इरेजर पे क्लिक कर लेंगे और जो होगी फिस जो फेस के ऊपर है ना गाइस ये फिल्टर, मतलब हम इसे इरेज कर लेते हैं क्योंकि एकदम मतलब खराब बेकार लग रहा है बहुत ही ज्यादा। तो मैं यहाँ से मतलब अपने बालों के ऊपर से भी इरेज कर लेता हूँ, मतलब अपने मॉडल के बालों के ऊपर से। देन कर लेंगे यहाँ से डन। तो देखिएगा चलिए हमारा जो है परफेक्शन वेक्टर आर्ट वाला लुक आ गया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फोटो को ओपन कर लेंगे ड्रॉ टूल्स में। तो यहाँ से आ जाता है ड्रॉ टूल्स में। देन देखिएगा अभी आपको क्या करना है, यहाँ से पहले देख लेते हैं एंट्री लेयर तो बनी हुई है। आपको क्या करना है, यहाँ से आ जाना है ऐड फोटो पे और गाइस आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है, तो ये वाला है गाइस। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो देन गाइस आपको क्या करना है, पहले तो देखिए अभी हमने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया। देन गाइस आपको यहाँ पे एक और एम्प्टी लेयर बना लेनी है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ से फिर से ऐड फोटो पे आ जाना है और गाइस आपको इस वाले पीएनजी को जो यहाँ पे ऐड करके कुछ इस तरह से जो यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है गाइस। तो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कर लेंगे ऐसे डन। तो गाइस अभी आपको इस लेयर को क्या करना है, नॉर्मल से एक्सप्लोर कर लेना है, इसको मतलब पूरा इसका जो बैकग्राउंड है ना गाइस इरेज हो जाएगा। देन गाइस आपको ऊपर के दो लेयर्स को मर्ज कर लेना है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो लेयर अभी हमने मर्ज किया ना गाइस इसकी ओपेसिटी को आपको कम कर लेना है। तो हम यहाँ से ओपेसिटी को कम कर लेते हैं। देन अभी इसके बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे इरेजर को सिलेक्ट कर लेना है, साइज को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जिंदगी गाइस अभी आपको यहाँ पे जो जो भी इसका मतलब अपने फेस के ऊपर आ रहा है ना गाइस इसे आपको इरेज कर लेना है। तो गाइस आप में से कई लोगों ने जो है पिक्सआर्ट का गोल्ड वर्जन डाउनलोड नहीं किया है, अगर आपने नहीं किया तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर गाइस वीडियो को देख के पिक्सआर्ट का गोल्ड वर्जन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो से बात कर लेना। जिंदगी गाइस मैं यहाँ से परफेक्ट से इरेज कर लेता हूँ। जिंदगी से भी आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से आ जाना लेयर पे। जिंदगी से आपको एक और एम्प्टी लेयर बना लेनी है और गाइस इस एम्प्टी लेयर को सबसे नीचे हला लेना है। जिंदगी से आपको यहाँ पे कलर पे क्लिक कर लेना है और देखिए गाइस आपको ए वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब थोड़ा ऑरेंज से ज्यादा डार्क वाला ऑरेंज है। निकल लेंगे अभी हम यहाँ से डन। तो देखिए गाइस अभी हमारा परफेक्ट से एडिट हो गया। तो अभी हम जो ओपेसिटी कम की देंगे लेयर की, तो उस ओपेसिटी को फिर से बढ़ा लेंगे। तो देखिए गाइस अभी हमारा फोटो बन के तैयार है। तो गाइस आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।